लीनियस चार्जेस जो डायरेक्टली हॉस्पिटल और डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो एक तो हो गए सर्जन के चार्जेस, जो कि जिसमें कि एग रिट्राइवल प्रोसीजर का कॉस्ट आएगा एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर का कॉस्ट आएगा, जो कि दो सर्जिकल प्रोसीजर्स है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स बट सर्जिकल प्रोसीजर्स। फिर आ गया IVF लैब के चार्जेस, फिर आ गए IVF OT के चार्जेस, फिर आ गए हॉस्पिटल के बेड चार्जेस, फिर आ गए जो डेली 11 दिन तक अपने को सोनोग्राफी करना रहता है पेशेंट के, उसके चार्जेस। सो जब तक अपन ये ऐड करते हैं तो ओवरऑल साइजेबल एक्सपेंडिचर बन जाता है। फिर आप इसको जब हटा देते हैं तो दो या तीन और मिसेलिनियस एक्सपेंडिचर्स आते हैं। एक तो होते हैं पेशेंट के ब्लड टेस्ट जो पेशेंट को फिटनेस के लिए लगने वाले हैं, एंड देन सेकंड होते हैं एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और हार्मोन के मेडिसिन, यानी जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स और जेल्स होते हैं, जो पेशेंट को लगभग लंबे समय तक लेना पड़ता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। इसमें भी 15,000-20,000 एक्सपेंडिचर अलग निकल सकता है एम्ब्रियो ट्रांसफर होने तक या महीने भर का। सो जब भी हम IVF के लिए प्लान करते हैं, हमें ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर को अकाउंट में लेना पड़ता है। सो आप जो भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, आप उनसे पहले ही क्लियर कर लीजिए कि ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करके फाइनल पैकेज का कॉस्ट लगभग क्या आने वाला है।